और भाइयों कैसे हो आप सब। और ये है लिमिटेड एडिशन Redmi Note 10 Pro Max का, जो कि स्पेशली MI की तरफ से मेरे लिए बनाया गया है। मजाक कर रहा हूं भाइयों। ये है गोल्डन प्लेट, जो कि रैपकट की तरफ से इनका न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है और ये मेरे पास आ चुका है। और इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप कोई भी अपने फोन को जो है इस लुक में 24K गोल्ड लुक में कैसे बदल सकते हो। और ट्रस्ट मी गाइस, ये है काफ़ी ऑसम लगता है और काफ़ी यूनिक लगता है। मैं इसे 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और इस 2 दिन में भाई 10-12 लोगों ने मुझसे पूछ लिया कि भाई ये कौन सा फ़ोन है। सारी चीज़ बताऊंगा मैं इस वीडियो में कि कैसे इसको बाय करना है, आप अपने फ़ोन के लिए कैसे इसको बाय कर सकते हैं, कैसे इसको अप्लाई करना है। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल कर देना ताकि वीडियो आप तक पहुंचे। यहाँ पे मैं टेक रिव्यूज़ बनाता हूँ और मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि भाई ऑनेस्ट टेक रिव्यूज़ मैटर्स अलॉट। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये Redmi Note 10 Pro Max है, Redmi Note 10 Pro Max है और Redmi Note 10 Pro Max का ये जो है प्लेट है। तो चलो यहां पे मैं इसको अनबॉक्स करता हूं। रैपकार्ट की तरफ से आया है और ये देखो यहां पे एक गोल्डन स्किन मिला है जो कि इसके ऊपर लगने वाला है। उसके बाद इसके ऊपर प्लेट लगेगा जो कि कस्टमाइज्ड है। और यहां पे देखो, यहां पे यूट्यूब चैनल का जो है नाम भी लिखा हुआ है सनिजमेशन, उसके ऊपर ये लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे कटिंग वगैरह लगेगी। लोगों को बताता हूँ यहाँ पे कि इसको कैसे लगाया जाता है। तो भाई चलो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ और आपको मैं पहले बता देता हूँ कि इसके लिए जो है आपको हेयर ड्रायर चाहिए, क्योंकि ये जो स्किन है ये फुल स्किन है और फुल स्किन चारों तरफ से लगता है। तो इसको लगाने के लिए जो है हेयर ड्रायर मस्ट है। अगर आपके पास हेयर ड्रायर नहीं है तो ब्लोअर है तो उससे भी आप काम चला सकते हो। जो है थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा, तो हीट के लिए आप कोई भी चीज़ दे सकते हो, या तो ब्लोअर या तो हेयर ड्रायर। मैं यहाँ पर जो है हेयर ड्रायर का यूज़ कर रहा हूँ। तो भाई स्किन जो है सही तरीका से लग गया है। और यहाँ पे आपको कॉर्नर पे सही से ध्यान देना होगा, मतलब कि कॉर्नर पे आपको हेयर ड्रायर मार के अच्छे से चिपकाना होगा, क्योंकि ये जब भी निकलना शुरू होता है तो कॉर्नर से निकलना शुरू होता है। ये देखो डायरेक्टली भी लगा सकते हो इसको, बट गोल्डन स्किन को लगाने के बाद क्या होगा कि तब ये अच्छी तरीके से सेट होता है और मैच खाता है। क्योंकि आप इसको अगर डायरेक्टली लगाओगे तो साइड में जो है ये कलर अलग हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा उसके ऊपर। और ये देखो यहाँ पे ये पूरा नहीं बैठ रहा है, ठीक है, ये हल्का सा गैप रह रहा है। अब ये थोड़ा सा कॉन्स हो सकता है कि इसमें डस्ट पार्टिकल वगैरह जा सकती है, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी गैप है यहाँ पे देखो काफी। काफ़ी अलग लुक लग रहा है, काफ़ी मतलब कि क्या बोलूँ मैं, एक अलग लुक आ गया फ़ोन का। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जैसे मैंने कहा था नाम भी कस्टमाइज़ करा सकते हो, तो यहाँ पे नाम भी कस्टमाइज़ किया हुआ है और चैनल का नाम लिखा हुआ सनिजमेशन। यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है यहाँ पे, और इंस्टॉल करने के बाद इसको आप ओपन करते हो तो यहाँ पे काफ़ी डिज़ाइन है, यहाँ पे काफ़ी सारा डिज़ाइन है। और डायरेक्ट यहाँ से जो है यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। और यहाँ पे देखो मोबाइल्स के डिज़ाइन है, स्किन है, TWS के है, लैपटॉप के है, काफ़ी कुछ डिज़ाइन है। इनफैक्ट ATM कार्ड का भी यहाँ पे स्किन आपको मिलता है। मैं यूज़ देख किया हूँ, इंटरेस्टिंग है, यूज करना चाहिए यार ATM कार्ड, एक बार ट्राई करना चाहिए ATM कार्ड का स्किन। यहाँ पे देखो यार ATM कार्ड का स्किन्स है।
और काफी कुछ है, तो इसको आप ब्राउज कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये सब भी स्किन मिलता है, 3D इफेक्ट वाला स्किन, ठीक है। और इसका मैंने, ये स्किन का मैंने रिव्यू कर चुका हूं मैं पहले, Redmi Note 10 Pro Max का स्किन, 3D स्किन का मैं रिव्यू कर चुका हूं, तो ऊपर आई कार्ड में मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूं, तो आप लोग जाकर देख सकते हो वो स्किन का रिव्यू कि ये स्किन कैसा लगता है, ये भी काफी अच्छा लगता है। तो भाई वो सारा चीज जो है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, इस प्रोडक्ट का लिंक, ऐप का लिंक और वेबसाइट का लिंक। अभी मॉनसून के डिस्काउंट वगैरह चल रही है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, वहां पे आपको 10% लगभग 10-20% डिस्काउंट मिल जाएगी। भाई ट्रस्ट में ये काफी मतलब कि ऑसम लुक लगता है, मतलब कि काफी अलग लगता है, ये पूरा लुक चेंज कर दे रहा है फोन का। मतलब लोग पहचान नहीं पा रहे कि भाई Redmi Note 10 Pro Max है, वो भी एक साल पुराना, समझ में नहीं आ रहा है, लोग को जो है काफी कंफ्यूजन हो जा रहा है कि ये कौन सा फोन है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक दबा देना, और यहाँ पे जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना, और काफी लोग को इसके बारे में नहीं पता था, वीडियो को शेयर जरूर करना। और भाई कमेंट सेक्शन आपके लिए तो खुला ही है ऑलवेज, तो कमेंट सेक्शन कमेंट दे सकते हो, अगर कुछ पूछना तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका जरूर से रिप्लाई दूंगा। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑल कर देना, और अगर आप लोग मेरे पुराने भाइयों हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हो तो बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर देना दोस्तों। तो चलो भाई इस वीडियो में इतना था, मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जस्ट टेक केयर, और मैं ये लिमिटेड एडिशन को यूज करता हूँ।